सबसे पहले एमुलेटर को ओपन करिए और गेम को प्ले कर दीजिएगा और यहाँ पर ओके कर दीजिए और यहाँ पर बैक बटन को प्रेस करिएगा और यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हैं और यहाँ पर सिस्टम में और यहाँ पर नीचे आना है और आपको देखना है इनेबल चीट्स दिखाई दे तो उस पर टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दिखाई दे दिया और इस पर टिक कर देते हैं और यहाँ से बैक चलते हैं पीछे और यहाँ पर कंटिन्यू करिए और यहाँ पर फिर से जो है आपको बैक करना है और गेम को बंद कर देना है और एमुलेटर से बाहर आ जाना है और चलना है हमें प्ले स्टोर पर। 5 से 10 MB का एप्लीकेशन है, इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसको जो है ओपन कर लीजिए और यहाँ पर उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने किया है डाउनलोड चीट फाइल को, उस पर टैप करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे इस तरह से। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट डॉट 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 और यहाँ पर जाना है ऊपर PSP के फोल्डर में और यहाँ पर चीट्स जो है उस फोल्डर में और यहाँ पर पेस्ट के आइकन पर टैप करके आपको कर देना है फाइल को पेस्ट और यहाँ पर अप्लाई कर देना है और करना है रिप्लेस। यहाँ पर जो है आपका काम हो चुका है, अब जो है चलना है इससे बाहर इमुलेटर में फिर से। यहाँ पर आने पर आपको गेम को प्ले कर देना है और यहाँ पर ओके कर देना है और फिर यहाँ पर जो है बैक करना है और यहाँ पर जाना है चीट्स में। यहाँ पर सारे के सारे चीट्स ढेर सारे हैं, इनको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सभी को इनेबल कर देता हूँ यानी टिक कर देता हूँ और सभी को टिक करने के बाद मैं जो है बैक कर दूँगा, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीट्स चाहिए उन्हीं को इनेबल करिए और यहाँ पर कंटिन्यू। और यहाँ पर जो है हमारा गेम शुरू हो चुका है, तो इसमें काफ़ी सारे जो है कटसीन है उनको मैं स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कटसीन आ चुका है, तो मैं इसको जो है एक्स बटन को दबाकर जो है स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर स्टार्ट आ चुका है, यहाँ पर कटसीन नहीं है। यहाँ से जो है न्यू गेम करते हैं, तो यहाँ पर ईजी मोड को प्ले करते हैं और यहाँ पर जो है एक कटसीन आ गया है, मतलब यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आ चुका है, तो गेम के शुरुआत में एक कटसीन फिर से आएगा तो इसको स्किप कर देता हूँ। जो कपड़ा फटा हुआ इसलिए है क्योंकि जो मैक्स क्लॉथिंग डैमेज जो शीट है उसको इनेबल किया है, उसको डिसेबल कर देंगे तो इस तरह का कपड़ा आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जो है अभी दुश्मन नहीं है, तो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ जाना है और अगर आप जो है पावर को इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी भी। तो इसमें जो पावर दी है 2 बटन साथ में दबाना है तो आपको जो है लिब्रेशन मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं आपको नीचे लिब्रेशन जो है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। लिब्रेशन एक मोड है, ठीक है, उसको इनेबल करने के बाद आपको अनलिमिटेड हेल्थ मिलते हैं और डैमेज भी नहीं होता है और जो है दुश्मन जल्दी से ही मारा जाता है और आपके पास जो है ताकत होती है यहाँ वहाँ से जाने की जल्दी से जल्दी। और इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है बिना किसी हैक का जो है यहाँ पर जो है ऊपर दबाने पर जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। और यहाँ पर जो है बटन जो दिए गए हैं लिब्रेशन मोड एक्टिवेट करने के लिए, जब एक्टिवेट कर लेते हैं तब आपके पास जो है यहाँ पर जो है अनलिमिटेड लिब्रेशन है जो चीट्स में है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ ही समय बाद लिब्रेशन मोड खत्म हो जाता है नॉर्मल में, तो यहाँ पर नहीं खत्म होगा। और यहाँ पर अभी कोई दुश्मन नहीं आ रहा है, अभी बता रहा है इंस्ट्रक्शन वगैरह। और इसमें जो है आपको आपके पास कई सारे सूट है तो सभी सूट अनलॉक मिलते हैं और ढेर सारे मनी मिलते हैं, तो आप कोई भी वेपन जो है यूज कर सकते हैं और सभी वेपन को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कोई दुश्मन नहीं है तो अभी फाइट करेंगे। यहाँ से जो है गन जो है चेंज कर सकते हैं इस बटन से, तो यहाँ पर सभी चीज़ें देख सकते हैं। और L और R बटन से आपको शूट करना है, L से जो है आपको निशाना लेना है, R बटन से शूट करना है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो है टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी दुश्मन आने वाले हैं, तो अभी जो है आपको जो है ट्यूटोरियल जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है एक दुश्मन, तो उसको शूट करते हैं R बटन से, L बटन से जो है निशाना ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बंदूक था तो अब बंदूक को चेंज कर दिया और यहाँ पर इसने हमला कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मार दिया मैंने तुरंत ही, मतलब बंदूक बड़ी वाली थी। और इन बंदूक को अपग्रेड भी कर सकते हैं अनलिमिटेड पर, और कई बंदूक ऑलरेडी अपग्रेड जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मार दिया, तो यहाँ पर जो है ऊपर वाला बटन दबाकर दूसरे शरीर में जा सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने लिब्रेशन मोड जो है एक्टिवेट कर दिया है, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से जा रहा है और इसको मार दिया तुरंत, ठीक है। तो इस तरह से जो चलता है लिब्रेशन मोड में काफ़ी तेज़ी से, देख सकते हैं किस तरह का ये मोड है।
तो ये भी मैंने एक्टिवेट करके दिखा दिया, और आगे मैं दिखाऊंगा कि अपग्रेड करके सारी चीज़ें। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं दूसरे जगह पर, और यहाँ पर मारते हैं, तो यहाँ पर फिर लिबरेशन मोड को एक्टिवेट करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये अनलिमिटेड समय तक रहे, जब तक आप आगे वाले जगह पर नहीं जाएंगे तब तक डीएक्टिवेट नहीं होता है, और ये काफ़ी बढ़िया है। आप जल्दी मार के जो है लेवल को कंप्लीट जल्दी से कर पाएंगे। अगर आप जहाँ पर मतलब आप फंस जाते हैं, यहाँ पर दुश्मन हाईवी मिलता है, वहाँ पर इस यूज करिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे मजाक ज़्यादा ख़राब हो जाएगा गेम का, क्योंकि जल्दी आप दुश्मन को मार देंगे। तो यहाँ से बॉडी में जो है दूसरे के जा सकते हैं, तो आपका हेल्थ जो है वापस आ जाता है, मतलब दूसरे की बॉडी का जो हेल्थ होता है वो आपको मिल जाता है इस तरह से, अगर बॉडी आप बदलते हैं। और बॉडी बदलते हैं जैसे कोई बंदा अलग जगह पर है और आप अलग जगह पर, तब आप बॉडी को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अभी बंद है रास्ता, तो अभी दुश्मन जो है आने वाले हैं, तो अभी बता रहा है मिशन के बारे में। तो यहाँ पर जो है बॉडी बदल बदल के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनलिमिटेड समय तक लिबरेशन मोड है। तो यहाँ पर अभी दुश्मन नहीं आए हैं, अभी आने वाले हैं, तो ऊपर उड़ने वाले अभी दुश्मन आएंगे, ठीक है। तो अभी आने वाले तो आ चुके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा इधर चलते हैं और शूट करते हैं, यहाँ पर एल बटन से जो है निशाना देते हैं और शूट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो निशान लिबरेशन मोड में इस तरह का झटका देता है और उनको काफ़ी जल्दी ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर मारा गया दुश्मन जो था, अब जो है देखते हैं कोई और है कि नहीं। तो यहाँ पर आ चुका है एक और, इसको भी मार देते हैं, और यहाँ पर रास्ता खुल चुका है, तो चलते हैं इधर से। तो यहाँ पर जो रास्ता है, तो यहाँ पर आ चुके हैं दूसरे वाली जगह पर। तो यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि कोई दुश्मन मिलता है कि नहीं। यहाँ पर जो है बंदूक को बदल लेते हैं, तो इसको मारते हैं, जो कि वहाँ पर एक सोल्जर है, तो उसके शरीर में चलते हैं। तो यहाँ पर जो है आ चुके हैं दुश्मन, तो इनको मारते हैं बिना किसी पावर का यूज किए। तो आपके पास जो है बंदूक है हैवी वाला अपग्रेडेड, तो इसको मारते हैं, काफ़ी जल्दी ही मारे जाएंगे सारे। तो यहाँ पर जो है शूट करना शुरू कर दिया है, तो इसको मारते हैं। तो जो छोटा वाला बंदूक है वो अपग्रेड है पहले से ही। तो यहाँ पर लिबरेशन मोड को एक्टिवेट किया, और यहाँ पर अब जल्दी जल्दी मारेंगे। तो यहाँ पर शायद दुश्मन ख़त्म हो चुके हैं शायद, तो इसे में कोई है ही नहीं, तो मैं वैसे ही शूट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले हैं, कब तक आते हैं दुश्मन, तो वेट करते हैं। तो अभी तो नहीं आ रहे हैं, हाँ आ चुके हैं दुश्मन, तो इनको मारते हैं फिर से। तो लिबरेशन मोड है एक्टिवेट, तो जल्दी इनको मार देगा। तो यहाँ पर झटका दिया है, फिर से यहाँ चलते हैं, तो नज़दीक से मारते हैं इनको। नज़दीक से मारने पर जो है जल्दी ही मारे जाते हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग दुश्मन कई आ चुके हैं, तो यहाँ पर वहाँ वाला जो है वो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ वाला भी। तो इधर देखते हैं, यहाँ पर जो सीढ़ी है, तो यहाँ पर सीढ़ी से भी चढ़ सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। तो दूसरे के शरीर बदलने पर का यह फ़ायदा है कि आपको हेल्थ मिल जाता है उनका, और जो है आप अपोजिशन आपको मिल जाता है शूट करने का। तो यहाँ पर जो दुश्मन जो है ख़त्म हो चुके हैं, अब आने वाले शायद। तो यहाँ पर शरीर मैं बदल रहा हूँ मज़े के लिए। तो यहाँ पर अभी दुश्मन नहीं आया है, तो अभी तक जो है देख सकते हैं एक्टिवेट है लिबरेशन मोड, तो ये लिमिटेड है इस चीट की वजह से। तो यहाँ पर अभी इस पर नहीं आए, तो ऐसे ही मज़े के लिए हाँ आ चुका है दुश्मन। देख सकते हैं पोर्टल जो है खुल चुका है, तो इनको मारते हैं। तो यहाँ पर जो है लिबरेशन मोड की वजह से आपको कुछ नहीं होगा, कहीं से भी आप लूट कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड हेल्थ मिलता है आपको, और जो पावर भी लिमिटेड होता है, तो मारते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। देख सकते हैं एक ही बार में ये ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर जो ढेर सारे पोर्टल जो है खुल चुके हैं, और इनसे जो है दुश्मन ढेर सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी इनको मारते हैं, तो देख सकते हैं कितना जल्दी मैं मार दे रहा हूँ, नहीं तो इनको मारने में काफ़ी समय लग जाता है, और मतलब मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो है चीट का यूज मत मतलब करिएगा, तो लिबरेशन मोड एक्टिवेट मत करिएगा हमेशा, मैं वैसे ही दिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनको मार दिया, अब यहाँ पर एक बंदा और आया है, तो इधर चलते हैं, इसका भी काम ख़त्म हो चुका है। अब तो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर जो है एक सोल्जर मिलता है, उसकी बॉडी भी मिलती है, आप चाहे तो बदल भी सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमला कर रहा है उसके ऊपर,
तो इसको मारते हैं नॉर्मल बंदूक से ही जो हैवी वाला है। तो बिना यहाँ पर ग्रेनेड फेंका और ग्रेनेड जो है फट गया शायद यही आस पास में, तो यहाँ पर जो है आपका हेल्थ कम हो चुका है थोड़ा। तो बॉडी बदलते हैं चाहे तो यहाँ पर रिग्रेशन मोड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बंदूक को बदलते हैं, बंदूक जो है ख़त्म हो चुका है गोली यानी, तो यहाँ पर काफ़ी हेल्थ कम हो चुका है तो बॉडी इससे बदलते हैं, नहीं तो रिग्रेशन मोड एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मारते नहीं तो वो भी मारा जाएगा, उसका हेल्थ कम हो जाएगा बॉडी बदलने से। तो यहाँ पर बॉडी बदल लेते हैं तो वो सब मारे जा चुके हैं, तो बॉडी बदलना है ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रेशन मोड जो है एक्टिवेट है, अब मारते हैं यहाँ पर जितने भी हैं सारे। तो यहाँ पर अभी सोल्जर हैं तो वेट कर रहे हैं किसी आने वाली जो है मतलब जो दुश्मन है आने वाले, तो यहाँ पर अभी वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी बदलते हैं तब तक, तो यहाँ पर जो है अभी भी दुश्मन नहीं आए तो इंतज़ार करते हैं दुश्मनों का। वैसे ही मैं यहाँ वहाँ शूट कर रहा हूँ, अभी तो कोई मतलब नहीं है। लिमिटेड इसमें एक जो है गन है, तो यहाँ पर जो है पोर्टल खुलना शुरू कर दिया है तो इनको मारते हैं। ढेर सारे हैं जो उड़ने वाले हैं सारे सारे, तो इनको मारते हैं तो जल्दी ख़त्म कर देंगे लिब्रेशन मोड की वजह से। देख सकते हैं कितना जल्दी मार इनको ख़त्म कर दे रहा है, मतलब दो ही शॉट में इनका पानी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक बन फिर यहाँ पर है नज़दीक जाने पर ज़्यादा ही काम करता है। तो यहाँ पर दो है वहाँ पर टायर शूट कर रहे हैं वहाँ पर जो सोल्जर है उसको, तो उसको मारते हैं तो ये ख़त्म ही होने वाला। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते शायद ख़त्म हो जाए। तो एक नीचे गिर चुका है छोटा हो गया और यहाँ पर एक उसको भी मार दिया और इसको भी मार दिया, पानी ख़त्म सारे सारे जितने भी। तो अब जो है चलते हैं, रास्ते शायद खुल चुके हैं तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और डिग्रेशन मोड जो है हमारा ख़त्म हो चुका है मतलब बंद हुआ है। तो अब जो है नया लेवल शायद मतलब जो नया चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कटसीन आने वाला है, तो यहाँ पर कटसीन आ चुका है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि जो कटसीन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं और मैं जो है दिखाने लगूंगा तो गेम प्ले कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनलिमिटेड सारी चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर जो है नेक्स्ट कर लेते हैं इसको, मतलब जो सेव पहले कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। डाटा को सेव कर लिया और यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं जो चीज़ें हैं अनलिमिटेड है। यहाँ पर फिर से कटसीन आएगा तो इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर मिशन सेलेक्ट करने के लिए आ चुका है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सेलेक्ट करते हैं मिशन को। तो यहाँ पर एक्स बटन दबाकर और यहाँ पर जो है देख सकते हैं हमें मतलब अनलिमिटेड लेवल पर है सारी चीज़ें और एनर्जी वगैरह जो है भी है। और यहाँ से जो है देख सकते हैं ये सब चीज़ें भी अनलिमिटेड है और हीलिंग भी जो देख सकते हैं अनलिमिटेड है। तो सारी चीज़ें जो है अनलिमिटेड है यहाँ पर, जो है आप जो भी चीज़ें हैं उनको ले सकते हैं। और यहाँ पर बैग लेते हैं और दिखाता हूँ कि जो वेपन्स हैं उनको भी आप ले सकते हैं, कोई भी वेपन वगैरह जो है सेलेक्ट कर सकते हैं अनलिमिटेड लेवल पर है और कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है अपने हिसाब से। जो भी लेवल मतलब बंदूक है वो खरीद सकते हैं और ले सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बंदूक है मैंने बदल लिया, कई सारे बंदूक है और छोटी बंदूक ये हैंड गन और यहाँ पर बड़े वाला जो बंदूक है इसको भी आप बाई कर सकते हैं कोई भी इनमें से। ढेर सारे असॉल्ट है, शॉर्ट गन है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बंदूक ले लेता हूँ असॉल्ट राइफल में से कोई भी, तो यहाँ पर ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ से जो है बैक करता हूँ। और यहाँ पर जो है नीचे वाले स्लॉट में कोई बंदूक नहीं है अभी, तो उसमें भी ले लेता हूँ। और यहाँ पर जो हैंड गन को अपग्रेड कर लेता हूँ पहले, तो यहाँ पर जो है नीचे वाला बंदूक एक ले रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको एक बंदूक डाल लेता हूँ यहाँ पर, जो अनलिमिटेड देख सकते हैं बीपी है आपके पास तो आप ख़रीद सकते हैं कोई भी चीज़। तो वहाँ पर इसको जो है ख़रीद लेते हैं और यहाँ से जो है बैक हो जाते हैं। अब जो हमारे पास सूट है उसको भी अपग्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वेपन बैंक में नहीं है, यहाँ पर जो है प्रोटेक्टिव गियर में है
तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं अलग अलग सूट है, सारे के सारे फटे हैं चीट की वजह से, तो जो है वैसे फटे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला लेते हैं, तो जब भी लेंगे तो जो है कुछ समय के लिए जो सूट होता है वो सही हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये वाला फटा वाला है, ये भी फटा हुआ जो है सूट है, इसको ले लेते हैं। तो एक बार जो है एक्स बटन को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देख सकते हैं फुल हो चुका है। फिर इसको भी मैं लेता हूँ तो यहाँ पर फुल हो चुका है। तो बटन जो मतलब चीट की वजह से जो है वो फटे हुए सूट है, तो इसलिए इस तरह से दिखा रहा है। तो यहाँ पर फटे हुए इसीलिए शायद अनलिमिटेड जो है अपग्रेड है, मतलब अपग्रेडेड सूट हो चुका है इसलिए फटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है फिर से जो है मिशन को सेलेक्ट कर दिया, नया वाला मिशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर कट सीन एक आएगा तो इसको मैं स्किप कर दूँगा, तो पहले थोड़ा सा वैसे देख लूँगा। तो यहाँ पर कहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर एक डिस्को है जहाँ पर 2012 में आए, तो यहाँ पर इसको जो है मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर देखते हैं बहुत ही बड़ा दुश्मन है यानी मॉन्स्टर है, तो इसको जो है शूट करते हैं। तो शूट करते हैं ये वाली जो बंदूक है, शॉर्ट गन से मारते देखते हैं। तो शॉर्ट गन जो है नज़दीक के लिए है, तो यहाँ पर जो है हैवी वाला बंदूक है सेलेक्ट करते हैं और इनको मारते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बॉडी में जाते हैं और शूट करते हैं। तो यहाँ पर गोलियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है, तो एक जो बंदा था उसको मार खा लिया। तो यहाँ पर जो हमारे ऊपर हमला कर रहा है काफ़ी, तो बॉडी बदल रहा हूँ इसलिए, तो यहाँ पर इसको मारते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी इसका नुकसान कर चुका हूँ, तो कवर लिया और यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जो होता है लिबरेशन मोड, तो अब इनको मारते हैं। तो इसकी जो है खटिया खड़ी कर देता हूँ तुरंत ही। यहाँ पर जो है ये बहुत ही मतलब इसको मारना मुश्किल होता है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें दिखता है, तो मैं यह चीज़ की भी इसको मार चुका हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो है लिबरेशन मोड को एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, जितना हेल्प रहेगा उतना ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, और जो है उसके बाद जो है कम नहीं होगा, ठीक है, उतना ही रह जाएगा। और इसको मारते हैं, इससे में जो है वार कर रहा है कुछ नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। तो इसको मारते हैं लगातार शूट करते हैं और इसके ऊपर जो है झटका हम दे रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से अपना बचाव कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ शूट कर रहा हूँ या अपने से बचाव कर रहा है। तो यहाँ पर जो झटका दे रहा है इससे जो है जल्दी इसको असर हो रहा है। तो यहाँ पर एक जो है सोल्जर गया, यहाँ पर कुछ चालू किया, तो यहाँ पर जो है इसके ऊपर थोड़े से मतलब शूट करना है। यहाँ पर ग्रीन बचा हुआ है, मतलब एक शायद कम पावरफुल हो चुका है, तो इसको मारते हैं। तो यहाँ पर जो सोल्जर था जिसकी बॉडी में था वो उसको मार चुका है। यहाँ पर बंदूक मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसको बदलते हैं और शूट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्विच हुआ तब लिबरेशन मोड हट गया था, जब वो बंदा जो सोल्जर था वो दिखाया था। तो यहाँ पर जो है इसका खेला ख़त्म हो चुका है। तो अब जो है हमें चलना है इधर की तरफ, मतलब जो आगे की तरफ। तो यहाँ पर जो है ख़त्म हो चुके हैं और चलते हैं इधर। तो यहाँ पर जो है आप बॉडी भी बदल सकते हैं, यहाँ पर 3 सोल्जर है, तो यहाँ पर चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा अनलिमिटेड हेल्थ है, तो इसको बॉडी में चलते हैं, तो मज़ा आएगा, मतलब मज़े के लिए कर रहा हूँ ये। तो आगे जो है दुश्मन ढेर सारे मिलते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर 2 दुश्मन हैं, एक तो गया और एक पीछे है जो है वो पीछे कवर ले रहा है भाई, ये भी कवर लेते हैं भाई, ज़ॉम्बी वगैरह भी यहाँ पर नीचे छुप चुका है, तो इसको मारते हैं। तो इसका भी कहानी ख़त्म हो चुका है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो है ये इधर बता रहा है कि जाना है, तो यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर था थोड़ा जो है यहाँ पर देखना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर आ चुका है दुश्मन, इसको मारते हैं, तो इसको मार दिया, अब इसका भी कहानी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर फिर आ चुका है, तो इसको मारते हैं, काफ़ी समय लगा रहा है, तो लगा देते हैं लिबरेशन मोड को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है दबा दिया और एक्टिवेट कर दिया, अब इसको मारते हैं, तो इसका भी कहानी ख़त्म हो चुका है।
तो वीडियो को ख़त्म करते हैं।